Today we will discuss our new topic, arboreal animals of chapter 3, adaptations in animals. Arboreal animals. Arboreal animals में वो animals आते हैं जो अपना mostly time trees पर spend करते हैं, जैसे कि monkey है, chameleon है, squirrel है, तो इस तरह के animals arboreal animals कहलाते हैं. इन एनिमल्स में जो इनके लिम्स होते हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसके अलावा इनकी ट्री टेल जो होती है, टेल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी हेल्प से ये ट्रीज पर क्लाइंब कर सकते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर जंप कर सकते हैं और उससे हैंग कर सकते हैं. और उसके अलावा जो स्क्वायरल है, जो कि एक आर्बोरियल एनिमल है, इसके जो फोर लिम्स हैं इसको फूड कैच करने में या होल्ड करने में इसकी हेल्प करते हैं. अब नेक्स्ट है एडाप्टेशंस फॉर फूड. अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स और अकॉर्डिंग टू ईटिंग हैबिट, एनिमल्स को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है. नंबर वन अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट्स. एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू दीज कैटेगरीज. नंबर वन हर्बीवोर्स, नंबर टू कार्निवोर्स, नंबर थ्री ओमनिवोर्स, नंबर फोर स्कैवेंजर्स एंड नंबर फाइव पैरासाइट्स. इसमें देखिए वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे. जो हर्बीवोर्स है इसमें आते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स. ये मोस्टली प्लांट्स या प्लांट्स के पार्ट्स खाते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स. इनमें शार्प और फ्लैट फ्रंट टीथ होते हैं, जिससे कि ये बाइट कर सके, लीव्स को कट कर सके, और इनके माउथ के जो इनर साइड होता है उसमें जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिससे कि ये घास और पत्तियों को अच्छे से ग्राइंड कर सके. इसका एग्जांपल है काउ, शीप, बफेलो. काउ, शीप और बफेलो. अब आते हैं कार्निवोर्स. कार्निवोर्स में वो कहलाते हैं, वो एनिमल्स आते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को हंट करके उनका फ्लैश खाते हैं, जैसे कि तो इसमें आज कहेंगे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जैसे लॉयन, टाइगर एक्सेट्रा. तो इन एनिमल्स में इनकी जो लेग्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, जिससे कि ये बहुत फास्ट रन कर सकें और अपने प्रे को कैच कर सकें. उसके अलावा क्लॉज जो होते हैं वो इनके काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जिससे कि ये अपने प्रे को कैच कर सकें, उन्हें होल्ड कर सकें. और इनके जो टीथ होते हैं, फ्रंट टीथ जो होते हैं, कर्व्ड पॉइंटेड टीथ होते हैं, जिससे कि ये आराम से अपने प्रे को पकड़ सके, होल्ड कर सके. और स्ट्रांग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जो कि उनको टियर करने में और ईट करने में हेल्प करें. और इसके अलावा जो बर्ड्स होते हैं, इसमें कार्निवोर्स बर्ड्स होते हैं, उसमें क्लॉज जो होते हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं टैलॉन्स. नंबर अब नेक्स्ट है ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स में वो एनिमल्स आते हैं जो कि प्लांट एंड फ्लैश बोथ ईटिंग एनिमल. इसमें आते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, बियर, क्रो, ये एनिमल्स जो हैं वो ओमनिवोर्स में आते हैं. और ओमनिवोर्स में हाँ नेक्स्ट है स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स कहते हैं उन एनिमल्स को जो कि मतलब किसी भी फॉरेस्ट में जैसे कोई भी एनिमल्स की डेड बॉडी है तो उन बने हुए जानवरों के बॉडी को खाने वाले एनिमल्स जो हैं वो कहलाते हैं स्कैवेंजर्स. तो इसमें आते हैं वल्चर और हाइना. ये एनिमल्स एक तरह से
जंगल की सफाई करने का काम करते हैं, क्योंकि अगर डेड बॉडी सड़ेगी तो उनसे और गंदगी फैलती है और स्मेल होती है, तो ये इन डेड बॉडीज को खाकर खत्म करके ये फॉरेस्ट की सफाई करने का काम करते हैं। इसीलिए स्कैवेंजर्स को प्रकृति का मैटर भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मीन्स होता है वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के बॉडी में रहकर उसी बॉडी से अपना फूड लेते हैं और उसी की बॉडी में रहने के लिए स्थान पाते हैं। जैसे हम लोगों के ह्यूमन बींग्स में ही आप देख लीजिए, कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी पर रहते हैं, जैसे स्किन में होने वाले चीलर होते हैं, वाइट टू वाइट होते हैं, और उसके अलावा जो बालों में होने वाले जूं होते हैं, ये सब आउटर पैरासाइट हैं, ये हमारी बॉडी के बाहर साइड में रहते हैं। तो ये भी पैरासाइट हैं, ये हमारी बॉडी से खून ब्लड सक करके अपना पेट भरते हैं और हमारी बॉडी में रहने का स्थान पाते हैं। और इसके अलावा कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे आपने सुना होगा पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तो वो कीड़े जो हैं वो इनर पैरासाइट हैं, वो हमारे पेट के अंदर रहते हैं, आँखों में रहते हैं, और वहीं से अपना फूड गेन करते हैं और रहने के लिए जगह भी पाते हैं उसके अलावा। और तो इस तरह के एनिमल्स जो हैं वो पैरासाइट्स में आते हैं। एंड नाउ यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दिस इन योर होमवर्क। थैंक यू।